फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, जिसमें हमने पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा था और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के फोर टाइप्स हैं, चार प्रकार हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले से आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म काम में लेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। डिड हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम में लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में डिड आता है काम में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो डिड के साथ में वी वन काम में लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वन विद डिड, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस ओनली और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में वी वन काम में लेना है, अदरवाइज अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वी फोर आई एन जी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आप कैसे बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़कर, इसमें वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, वी थ्री थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म काम में लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन काम में ली जाती है, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब आई एन जी फॉर्म काम में लेनी है। पास्ट परफेक्ट टेंस में टाइम इंक्लूड होता है, टाइम हो उस सेंटेंस में क्या होगा, टाइम रहेगा, टाइम से पहले फॉर या सिंस लगाना होगा, फोन्स, तो ये जो फॉर और सिंस है उसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आ ई ए की आवाज आनी चाहिए, आ ई ए, पास्ट इंडेफिनिट, या कभी कभी ता था ती थी ते थे। पास्ट कंटिन्यूअस में हिंदी सेंटेंस में पहचान कैसे करेंगे, रहा था रहे थे रही थी, ये सेंटेंस होंगे। पास्ट परफेक्ट में हिंदी की पहचान, हिंदी सेंटेंस में पहचान, चुका था चुकी थी चुके थे,
आ था ई थी ए थे, ये हो गए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी की पहचान, हिंदी सेंटेंस की पहचान कि हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या लगेगा। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से का यहाँ पे मतलब है टाइम इंक्लूड होगा, जैसे वह दो घंटे से खाना बना रही थी, इसमें ये आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वह दो घंटे से खाना बना रही थी और टाइम नहीं हो, वह दो घंटे से खाना बना रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह खाना बना रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। वह खाना बना रही थी, इसमें टाइम नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं दो बजे से पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि टाइम इंक्लूड होना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्रेंड्स, आपने आज सीखा पास्ट टेंस के बारे में। फिर हम मिलते हैं अगले लेसन के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन।